Our next question is question number 12. Again, important question. A card from a deck of 52 cards is. भाई टोटल आपको पता ना 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक कार्ड खो गया. 52 में से एक कार्ड जो है वो खो गया. अब आपको आगे ये कहा जा रहा है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, 52 में से एक हो गया, कितने बचे? 51. टू कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी वो टाई. जो बचे हुए कार्ड है उसमें से आपने दो कार्ड निकाले, तो दोनों के दोनों क्या है? डायमंड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस कार्ड बीइंग अ डायमंड. अब जो कार्ड खोया था इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये किसका था? डायमंड. देखो इवेंट तो ऑलरेडी हो चुका. अब इसमें दो ही चीजें, हो सकता कि जो कार्ड खोया वो किसका था? डायमंड का. हो सकता कि जो कार्ड खोया वो डायमंड का नहीं था. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं आपको? ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब आप इसके इवेंट बनाओगे, जब आप इसके इवेंट बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेंगे. ये इस तरह से यहां आपको ये बताया जा रहा है कि भाई टोटल 52 कार्ड है, 52 में से एक कार्ड खो गया तो बचे कितने? 51. 51 में से आपने जो दो कार्ड निकाले हो दोनों के दोनों क्या? डायमंड. इतनी कहानी तो क्लियर है. फिर आपने इवेंट्स को बनाया, तो इवेंट जब आपने बनाया तो इवेंट ए क्या है आपका? कि जो कार्ड लॉस्ट हुआ हो सकता है वो डायमंड का हो. इवेंट भी क्या होगा? डायमंड कार्ड इज नॉट लॉस्ट. और इवेंट ही क्या है जो दोनों पे डिपेंड कर रहा है वो क्या है? कि टू डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन. ये समझ में आ रहा है? टू डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन. अब जो चीज समझाऊंगा ध्यान से समझना, अभी तो किसी भी क्वेश्चन में आपने नहीं किया ऐसा कुछ भी. आपको एक आ जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो सिंपल है कि भैया डायमंड कार्ड आपको पता टोटल कितने होते हैं? 30. टोटल कितने? 30. और वैसे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52. और 52 में से इन 13 में से कोई भी कार्ड खोएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए. डायमंड कार्ड खोलने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 13/52 ही तो होगी, दैट इज 1/4. ये समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझना, अगर मैं कहता हूं पी ऑफ ई बाय ए, मैं आपको क्या कह रहा हूं? पी ऑफ ई बाय ए. यहां समझो, पी ऑफ ई बाय ए अगर इसको मैथमेटिकली मैं रीड करता हूं तो आप ये कह रहे हो कि जो फर्स्ट कार्ड खोया था वो डायमंड का था. जो फर्स्ट कार्ड खोया था वो किसका था? डायमंड का. तो डायमंड का कार्ड खोने के बाद अब जो दो कार्ड आपके खोए वो भी किसके हैं? डायमंड. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. अब अगर मैं आप देखो फॉर्मूला तो यही होता है ना, डिनोमिनेटर में आप क्या लिखते हो? टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम. और न्यूमरेटर में आप लिखते हो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम. न्यूमरेटर में क्या आता है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम. इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है आता? ठीक है. अब देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे? टोटल बचे कितने कार्ड है? 51. टोटल बचे कितने कार्ड है? 51. 51 में से कोई भी दो कार्ड, टोटल तो यही हुआ ना, 51 में से कोई भी दो कार्ड, टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो ये कह रहा है. लेकिन फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम क्या कह रहा है? कि भैया जो दो कार्ड वो खोए वो किसके होने चाहिए? डायमंड के. मेरी बात समझ में आ रही है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम क्या कह रहे हैं कि जो दो कार्ड वो खोए वो किसके होने चाहिए? डायमंड के. डायमंड के टोटल कार्ड कितने होते हैं? 13 होते ना. 13 में से एक तो ऑलरेडी निकल गया, तो आप कितने बचे हैं? 12. तो क्या मैं कहूं कि 12 में से कोई दो होने चाहिए? फेवरेबल तो ये है. आप फेवरेबल में ये चीज तो नहीं कह सकते ना कि 51 में से कोई दो होने चाहिए. यहां पर चॉइस पर भी चॉइस है. आप डायरेक्टली जो लिखते थे कि भैया देखो नॉर्मली आप क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 51, इसमें से दो. क्या यहाँ पे ये चीज लॉजिक बन रहा है आपका? क्या 51 में से कोई दो होना चाहिए? वो क्या वो ये कह रहा है 51 में से कोई दो होना चाहिए? हाँ जी, एक हुआ था ना, 52 में से एक हो गया तो बचे तो 51 ही. फेवरेबल वन कैसे आ जाएगा दीदी? आप इसका इसका मतलब क्या है? ई इवेंट है क्या कि दो कार्ड जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो डायमंड के हैं? लेकिन कब ड्रॉ कर रहे हो? जब पहला कार्ड जो डायमंड का खो गया उसके बाद.
पहला कार्ड डायमंड का खोने के बाद आप जो दो कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो वो किसके हैं? डायमंड के। तो टोटल तो क्लियर है मुझे कि 51 में से कोई दो कार्ड निकल मैं ड्रॉ करूंगा, टोटल तो यही कह रहा है। लेकिन फेवरेबल क्या कह रहा है? फेवरेबल कह रहा है वो दोनों के दोनों कार्ड किसके होने चाहिए? डायमंड के। यानी कि आपको बिन 12 में से कोई दो निकालने होंगे ना, जो 12 बचे हुए डायमंड के। ये नॉर्मल केस की तरह नहीं कर सकते आप कि भैया 51 में से कोई भी दो। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर जो आपका फेवरेबल है उसमें भी आपको सिलेक्टिव है, सिलेक्शन है। वहां पर जो फेवरेबल केस है आपका वहां पे भी क्या सिलेक्शन है कि भैया इन्हीं 12 में से वो दो होने चाहिए, सब में से नहीं कोई भी दो। समझ में आ रहा है? इन 12 में से कोई दो होने चाहिए, इसलिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस तरह से पी ऑफ ई बाई ए जो होगा वो आपका इस तरह से बनेगा कि टोटल के लिए तो आप कहोगे 51 C2, और फेवरेबल आउटकम में भी सिलेक्शन है कि भैया कौन सा फेवरेबल है, कि सारे फेवरेबल है? नहीं, ये जो 12 बचे हुए इनमें से ही दो निकलने चाहिए। अब समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब थोड़ा लॉजिक लगाओ। अब वो कह रहा है कि डायमंड कार्ड इज नॉट लॉस्ट। अगर डायमंड कार्ड नहीं खोया होगा तो पी ओ बी क्या होगा? तो बाकी कार्ड अगर 1352 में से निकाल दो तो मैं बोल सकता हूँ कि आपके फेवर में अब कितने हैं? 39। बाकी के 39 में से कोई सा भी ये कार्ड हो सकता है। फिर तो यही प्रोबेबिलिटी हुई ना, डायमंड कार्ड के 13 छोड़ दो, डायमंड कार्ड के 13 छोड़ दो, बाकी के जो 39 कार्ड बचे इनमें से कोई भी एक हो जाए वो इसी का केस होगा। अब भी टोटल कितने बचे? अब 52 में से देखो, डायमंड के तो 52 में से अगर मैं केस बनाऊं 51 कार्ड बचे ना अब आपके पास, कितने बचे? 51। पर डायमंड के तो पूरे 13 के 13 ही बचे, बाकी के जो कार्ड होते 39 इसमें से अब 38 बचे। लेकिन कार्ड तो अब भी आपको यही निकालना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं पी ऑफ ई बाय बी, तो टोटल में तो आप यही कहोगे 51 C2। यस, और न्यूमरेटर में होगा 13 C2। अब आया समझ में? न्यूमरेटर में क्या होगा? 13 C2। तो न्यूमरेटर में क्या होगा? 13 C2। इस तरह से समझ में आ गई सारी कहानी? ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो देखो, अब 11th क्लास पता नहीं अब आपके जहन में है या नहीं है, ऊपर से उड़ तो नहीं गई। कुछ याद आ रहा है? एनसीआर पढ़ा था, क्या होता था? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ई बाय ए था 12 C2, ये आपका एन है, ये आर है, तो ये हो गया आपका एन फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? ये है आर, तो ये हो गया आपका आर फैक्टोरियल, और फिर एन माइनस आर, 12 माइनस 2 कितना होगा? 10 फैक्टोरियल। कुछ आया यार? हाँ सर, आ ही रहा थोड़ा बहुत। अब ये क्या हो गया आपका? एन फैक्टोरियल। ये क्या हो गया आपका? आर फैक्टोरियल। एन माइनस आर क्या हो गया? 49 फैक्टोरियल। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, अगर मैं रेसिप्रोकेट करूंगा ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, कुछ याद आ रहा है कैसे इसको सिंपली ओपन अप करते थे? यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा, तो 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल। और इसमें क्या होगा? 51 × 50 × 49 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 49 फैक्टोरियल। ये भी कैंसिल, यहाँ से ये भी कैंसिल। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 12 × 11। ये कहानी क्लियर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 51 × 50। पहले बताओ, ये क्लियर? ऐसे ई बाय बी अगेन एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, 13 − 2 कितना होगा? 11 फैक्टोरियल। ऐसे इधर देखो, ये क्या होगा? एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, और ये हो गया एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहां देखो, यहाँ 11 दिखाई दे रहे हैं, 2 से तो 2 कैंसिल दिख ही रहा है आपको। इसको जब ओपन अप करोगे तो क्या होगा? 13 × 12 × 11 फैक्टोरियल, और अपॉन में ये आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। ये क्लियर? डिनोमिनेटर में क्या होगा? 51 × 50 × 49 फैक्टोरियल, और अपॉन में भी क्या हो जाएगा? 49 फैक्टोरियल। ये भी क्लियर? 11 से ये भी निकल गया। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा 13 × 12। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 51 × 50। ये क्लियर है कहानी? इसमें कोई डाउट? चले आगे। ठीक है, तो जब आगे आप वैल्यू पुट करोगे वही पी ऑफ ए बाई ई निकालना है। तो ये तो करना नहीं है, हम कैसे लिखेंगे? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
इज इक्वल टू पी ऑफ ए बाई एंड देन बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम पी ऑफ ए बाई ई, यही होगा फॉर्मूला। ठीक है, पी ऑफ ए, अगर आप पी ऑफ ए को देखो तो पी ऑफ ए था आपका 1/4, यही था 1/4, तो पी ऑफ ए की जगह आप लिखोगे 1/4, पी ऑफ ए की जगह आपने लिखा 1/4, पी ऑफ ई बाई अभी निकाला आपने। अब देखो यहां से एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, 4 × 51 × 50, 4 × 51 × 50, तो ये सारा तो उड़ ही जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 12 × 11, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 12 × 11 + 3 × 13 × 12, कोई डाउट है तो बताओ। फिर यहां था सारी चीजें, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या मैं डिनोमिनेटर से 12 कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 11 + 3 × 13 = 39, ये भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 11/39 + 11 कितना हो जाएगा 58। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर? ठीक है।